ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नगर निगम हाय हाय के नारे लगाने वाले अर्धनग्न होकर निगम के सामने प्रदर्शन कर रही ये लोग सब्जी विक्रेता है जिन्हें अतिक्रमण की आड़ में हटा दिया गया है। दरअसल डाटा की पुलिया स्थित सड़क किनारे बैठकर इन सब्जी विक्रेताओं को आए दिन निगम अमला हटाकर अपनी कथित सक्रियता बताता है। हाल ही में इन सब्जी विक्रेताओं को हटाया गया तो इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया, लिहाजा इन सब्जी विक्रेताओं ने प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। अर्धनग्न होते ही पुलिस सक्रिय हुई और थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की समस्या सुनी और उन्हें कपड़े पहनने को कहा। पुलिस ने चर्चा कर इन लोगों को हटा दिया लेकिन किसी भी निगम के आला अधिकारियों के पहुंचने की हिम्मत तक नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने अंबर टाइम्स को बताया। तो मेरा नाम है सर। साहब यहाँ पे इकट्ठे हुए सबका समस्या लिखा। समस्या ये साहब, हम 8 दिन हो गए हमारे को ठेले में, हमने सामान भर लिया दिवाली का और जो सरकार ने हमें कलेक्टर ने जो कर्जा दिया हमें 8-8 हज़ार का मुनाफा बाढ़ में बह गया था उसका भी हम सामान लेके आ गए और कहाँ दुकान लगाए साहब, हम फुटपाथ पे एक तरफ खड़े रहते हैं और वहाँ पे भी हमारे को कह रहे हैं यहाँ मत खड़े रहो, ना किसी की दुकान है ना किसी का घर है। शाम को 5 बजे 4 बजे दुकान लगा दे, दिवाली का सामान हम कहाँ ले जा के रखे, दिवाली के बाद दुकान लगाना, दिवाली का सामान भर लिया हमने दिए फोटो स्टिकर क्या, दिवाली के बाद कोई लेगा हमसे, 30-40 हज़ार का सामान भर लिया और लोन वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे घर बार बेच के ना लोन दो, हमारे घर हिम्मत सेठ ने पत्र दिए थे आज तक हमारे कलेक्टर ने मदद नहीं करी, ना हमारे शिवराज ने मदद करी, ना मकान दिया कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे ठेला गाड़ी चला के ना हमारे बच्चे पाल रहे हो और जब हमारे ठेला गाड़ी का धंधा ही छीन लेंगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम, वो किसके दरवाजे पे जाके बैठे, ये बच्चे कहाँ छोड़े हमारे को ये बता दो साहब और हम कहाँ जाएं। हम बस इतना निवेदन कर रहे हैं कि हम कमा के खा रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे। मेरी बेटियों की शादी है दिवाली बाद, उनको बेचूंगी कि मैं शादी करूंगी, कहाँ से पैसा लाऊंगी शादी करने के लिए, कौन देगा, जब लोगों के कर्जे नहीं दिए तो ये कर्जा कौन देगा, हमें कहाँ से लाएंगे साहब। हम तो साहब या तो हमें दुकान लगवा दो या नौकरी दे दो या हमको एक तरफा सबको मार दो साहब, हमें मार दोगे तो आपकी सारी मुश्किल हल हो जाएगी। यही कारण है सर कि हमारे से हमारा रोजी रोजगार ही छीन लिया इन्होंने। ठेला गाड़ी में कौन सा अतिक्रमण, ना तो हम अतिक्रमण कर रहे हैं ना ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, कुछ भी किसी का तरह का गलत काम नहीं कर रहा सर। उसके बावजूद भी हमारे को ना तो काम करने दिया जा रहा, हम किधर भी हेल्पलाइन पे भी फोन लगा रहे हैं वहाँ से भी कोई समस्या हल नहीं हो रही, कलेक्टर साहब के पास गए वहाँ से भी कोई समस्या हल नहीं हो रही, आयुक्त साहब के हाथ जोड़ लिए वहाँ से भी कोई समस्या हल नहीं हो रही, तो आखिर बात क्या है सर क्या। तो हमारे को सिर्फ सभी जनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे को हमारा हक दे दो बस, हम हमारे को भीख भी नहीं चाहिए, हमारे को कोई सा लोन भी नहीं चाहिए, हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे को ठेला गाड़ी लगा दो ताकि हम हमारा घर परिवार सही से चला सके बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को, किसी भी अधिकारी से कोई भी लेना देना नहीं है, बस हमारे को ये चीज है कि बस हमारे को हमारा रोजी रोजगार दे दो बस, अगर हम कुछ गलत करें तो उस पर जो भी कार्रवाई करेगी प्रशासन वो हमारे को मंजूर है। जिले में लगातार श्वान के काटने की घटनाएं सामने आ रही है। शहर में पिछले कुछ माह से मुख्य सड़क और गली मोहल्लों में आवारा श्वानों की भरमार है जिससे आने जाने वाले राहगीर और बच्चे आए दिन इनका शिकार हो रहे हैं। डॉग बाइटिंग के मामले में रतलाम प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। शहर में श्वान इतने खतरनाक हो चुके हैं कि घर के बाहर खेलने वाले बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। अशोकनगर में एक छोटी बच्ची को एक कुत्ते द्वारा शिकार बनाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस बच्ची को कुत्ते ने गले से पकड़ा था, उसके गले पर घाव हो गया। यहाँ इस बच्ची को काटने के बाद उसी कुत्ते ने एक अन्य बालिका को भी अपना शिकार बनाते हुए काट लिया। शहर में एक माह के अंदर ही कुल 130 लोग शहर के अलग अलग हिस्सों से आकर जिला अस्पताल में इलाज करवा चुके हैं, इनमें 49 बच्चे भी शामिल है। शहर के आवारा श्वानों से निपटने के लिए और उनकी संख्या को रोक पाने के लिए निगम के अफसरों के पास कोई ठोस योजना अब तक नहीं। शहर की कुछ संस्थाओं के विरोध और न्यायालय के आदेश के कारण आवारा घूम रहे श्वानों को पकड़ने का काम निगम ने बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसे में आवारा घूम रहे श्वानों को पकड़कर उनकी नसबंदी करना ही एक उपाय है।
मगर अब तक निगम द्वारा इस पर कोई कार्य नहीं किया गया, जिससे इतनी बड़ी संख्या में आवारा श्वान शहर भर में लोगों को घायल कर अपना शिकार बना रहे हैं। मासूम बच्ची के साथ हुए हादसे के चश्मदीद नूर मोहम्मद ने बताया। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। क्या घटना हुई थी बताइए। घटना यही हुई साहब, मैं यहाँ बैठा था, तेल मालिश कर रहा था, और तेल मालिश करते बच्ची जैसी बाहर निकली, उधर से कुत्ता लपकता हुआ आया पीछे से, उसकी गर्दन पकड़ ली, मैं दौड़ लगी, गर्दन छोड़ी उनने, गर्दन छोड़ने के बाद पे कान पे उसके पंजा मारा, कान के ऊपर पंजा मारने का तो चाहा तो आगे गया कुत्ता, वो भाईजान के उनके पैर, बच्चे के पैर पर काट खाया। तो ये घटना हुई है, और क्या घटना। इस तरह की पहले भी एक दो हो चुकी है, वो पैर पे काटा, हाथ पे काटा, वो तो चल गया भाई, अपने गर्दन की घटना तो पहली है ना। कुत्ते सारे दरिंदे जितने हड्डी मिल के हैं सब इधर छूट चुके हैं, हड्डी मिल के जितने कुत्ते सब इधर ही सर। शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद पर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया। नगर निगम के द्वारा आवारा कुत्तों का बधियाकरण के लिए लगभग एक साल पहले जुलवानिया में एक का इसका सेंटर बनाने का काम शुरू किया गया था, जो इस समय सेंटर बनकर तैयार है। इसका टेंडर भी जो है इस पर जारी हो चुका है, जो 11 नवंबर तक इसका टेंडर भी हो जाएगा। जो इस पर एनजीओ अपॉइंट करना होता है, जिसको पूरा भारत सरकार से भी लाइसेंस होता है, उसको कुत्ते सुरक्षित तरीके से पकड़ने की भी ट्रेनिंग रहती है कि वो सुरक्षित तरीके से पकड़े, और उनके पास वेटनरी डॉक्टर की टीम भी हो जो सुरक्षित रूप से उनको वहाँ पकड़ा जाए, जो वहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था करें, उनकी चिकित्सा भी करें, और बधियाकरण के बाद जिस स्थान से कुत्ते छोड़े जाएंगे उन्हीं स्थानों पर उनको छोड़ा जाएगा। तो ये आने वाले समय में हम रतलाम शहर के जीव दया मैत्री समिति को भी और जो बाकी रहवासियों को भी शामिल करेंगे कि सभी मिल करके ये आवारा कुत्तों का वहाँ पर जो है बधियाकरण में जो है सभी मिलकर के सहयोग देंगे, और सभी वहाँ जाकर के देख सकते हैं कि उसका बधियाकरण केंद्र का बहुत ही शानदार बनकर के तैयार है, और उसका ऑपरेशन थिएटर, कुत्तों को रखने की व्यवस्था, सभी तरह की व्यवस्था, लाइट, पानी, पंखे, बिजली, हर तरह की वहाँ व्यवस्था हो चुकी है। सर एक चीज़ और, अभी फिलहाल क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि शहर में आवारा कुत्ते काफ़ी हैं, क्या नगर निगम कोई पकड़ने की मुहिम चलाएगा? नहीं, नगर निगम अगर पकड़ भी लेगा तो तुरंत अगर हम ये व्यवस्था करते हैं तो ऐसे स्थिति में संभव है कि वहाँ पर जो है ये मुहिम कुछ देर चलता है, कुछ दिन चलता है और इसके बाद असफल हो जाता है। तो हम वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका टेंडर भी एनजीओ के लिए फ्लोट हो चुका है, 11 नवंबर को इसका टेंडर खुल जाएगा, और मुझे जानकारी है कि कुछ लोगों ने इस पर टेंडर डाल भी दिया है। तो हम इसको व्यवस्थित तरीके से इस तरह का हम जो है काम करेंगे जिससे कि ये पूरे प्रदेश के लिए रतलाम शहर कुत्तों को सुरक्षित तरीके से पकड़ना, उनका बधियाकरण करना और उनके जीवन को भी बचाना, क्योंकि ये भारतवर्ष है जहाँ की यहाँ पर जो है या हर प्राणी में अन्न के अंदर यहाँ पर जो है एक सहिष्णुता और सहनशीलता की भावना रखी जाती है। तो हम ये जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि 10 दिन 11 दिन के अंदर ये टेंडर हमारे होने वाला है, जो कुछ करेंगे सुरक्षित तरीके से करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में रतलाम शहर में एक ये नई मिसाल पेश हो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत शिवशंकर कॉलोनी में निवासरत 75 परिवारों के लिए ये दीपावली पर्व नई खुशियां लेकर आया। इन सभी परिवारों को विधायक चेतन काश्यप के हाथों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसी गांव में निर्मित अफोर्डेबल हाउस में अपने सपनों का घर मिल गया। शिवशंकर कॉलोनी में निवासरत इन परिवारों को AHP घटक के तहत गृह प्रवेश कराया गया। इससे पूर्व फरवरी माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा डोसी गांव में निर्मित प्रधानमंत्री आवासों में 101 परिवार को गृह प्रवेश करवाया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित पात्र हितग्राहियों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करवाया गया है। इन सभी हितग्राहियों की मार्जिन मनी की राशि में चेतन काश्यप फाउंडेशन द्वारा प्रति हितग्राही 10,000 रुपए की सहायता भी प्रदान की गई। विधायक चेतन काश्यप ने मीडिया को बताया। शिवनगर वासियों को 75 मकानों का प्रवेश करवाया गया। पूर्व हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 101 परिवारों को यहाँ पर गृह प्रवेश करवाया गया था। आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ दीपावली बड़ी शुभ है कि रतलाम के हमारे उन गरीब परिवारों को जो
ऐसी बस्तियों में रहते थे कि जहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी उसमें भी अच्छा पक्का मकान मिला है और सिर्फ 2 लाख रुपए में, जिसमें 1,80,000 का इनका लोन है, 20,000 रुपए इनको भरना थे, उसमें 10,000 रुपए इन्होंने दिए हैं, 10,000 रुपए मेरे फाउंडेशन के द्वारा दिए गए हैं। अभी तक हम 25 लाख रुपए जमा करा चुके हैं 250 हितग्राहियों को और निश्चित आगे 200 परिवारों को और मकान मिलना है जो अगले 2-3 महीने में भी हम पूर्ण करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 450 परिवारों के बच्चों का भविष्य, इनका भविष्य बदलेगा। त्योहार के समय बढ़ती भीड़ ने कोरोना की शंका जताई है। नागरिकों की इस लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं तथा सभी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। जिनका वैक्सीनेशन ड्यू हो चुका है वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। बाजार में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग बगैर मास्क के दिखाई दे रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से करवाएं। कलेक्टर श्री कुमार ने अपील करते हुए कहा है, कोरोना रतलाम में काफी हद तक नियंत्रित है, परंतु 2 तथ्य देखने में आ रहा है। एक तो लोग सेकेंड डोज लगवा नहीं रहे हैं। रतलाम शहर में ही 60,000 ऐसे लोग हैं जिनका सेकेंड डोज ड्यू हो चुका है लेकिन उन्होंने टीका नहीं लगवाया। दूसरा, चूंकि दिवाली का अवसर है तो बाजारों में भीड़ बहुत है, ऑलमोस्ट सारे प्रतिबंध शासन ने खत्म किए हैं उसे को छोड़कर, लेकिन कोई भी मास्क नहीं लगा रहा। मेरा सभी दुकानदारों से आग्रह है कि आपके दुकान पे, आपके प्रतिष्ठान पे कोई भी व्यक्ति आता है तो इतना तो मिनिमम आप कर ही सकते हैं कि उसको प्रेरित करें कि बिना मास्क के आपकी दुकान पे ना आए। आपके दुकान में भी जो लोग बैठे हैं सेल्समैन या काम करने वाले लोग, वो भी मास्क लगाए। मैंने ऐसे कई सारे फोटो देखे हैं जहाँ पर बेसिक सबसे ज़्यादा ज्वेलरी मार्केट में, जहाँ पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। प्रशासन नहीं चाहता कि ये दिवाली उत्सव के दौरान किसी का व्यवसाय प्रभावित हो, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि मास्क को सख्ती करें अपने दुकान में आने वाले लोगों पे और खुद के स्टाफ पे, अन्यथा की स्थिति में हमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी जो दिवाली का अवसर पर उचित नहीं होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस आह्वान को अक्षरशः पालन करेंगे और कोरोना से जैसा रतलाम मुक्त हुआ है मुक्त बना रहेगा। ये है ACN डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अमर टाइम।